चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले देखेंगे जियोग्राफी वाले हिस्से से गोबी डिज़र्ट के मैप के बारे में। हम तो पहले मैप देखेंगे, इसके बाद उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं गोबी डिज़र्ट के बारे में, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डिज़र्ट है, इसलिए उसके फैक्ट देखना भी ज़रूरी है। तो ये जो पहला मैप आप देख रहे हैं, ये बताता है कि गोबी डिज़र्ट कौन कौन से देशों में फैला हुआ। तो इसका जो कुछ हिस्सा है वो आता है चाइना में, और कुछ हिस्सा इसका आता है, समझ लीजिए, वो मंगोलिया में आता। मतलब कि मंगोलिया और चाइना में गोबी डेजर्ट का फैलाव है। यहाँ से चीज़ हमारी क्लियर हो गई है कि गोबी डेजर्ट आता है मंगोलिया और चाइना में। अब हम इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। गोबी, जिसको हम गोबी डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रेट डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। कहाँ? सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया का ग्रेट डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ पर इसकी लोकेशन। गोबी डेजर्ट के फैलाव के बारे में बात करी जाती है। द गोबी मतलब मंगोलियन भाषा का ये वर्ड है गोबी, जिसका मतलब होता है जहाँ पर पानी नहीं है, ऐसी जगह, वाटरलेस प्लेस को हम गोबी कहते हैं मंगोलियन भाषा में। ये स्ट्रेच हुआ है अक्रॉस ह्यूज पोर्शन ऑफ बोथ मंगोलिया एंड चाइना। कॉन्ट्रेरी टू द परहैप्स रोमांटिक इमेज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ व्हाट इट लीस्ट टू द यूरोपियन माइंड वाज ए रिमोट एंड अनएक्सप्लोर्ड रीजन। मच ऑफ द गोबी इज नॉट सैंडी डेजर्ट बट बेयर रॉक। कुछ और भी बातें ऐसी हैं जो कि गोबी डेजर्ट से रिलेटेड बताई जाती हैं कि देखो, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा विरोधाभास में प्रतीत होता है कि भाई यदि ये डेजर्ट है तो यहाँ पर रेत ही रेत होगा, लेकिन ओनली 5% ऑफ द गोबी इज कवर्ड इन गोल्डन सैंड ड्यून। 5% हिस्सा ही ऐसा है जो कि गोल्डन सैंड ड्यून से इसका कवर्ड है। इसके अलावा जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द डेजर्ट है वो वहाँ पर हमें एक्सपांस देखने को मिलता है बेयर रॉक्स का, मतलब चट्टानों का। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ गोबी होवर्स अराउंड -6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन कैन प्लमनेट एज फार एज -40 डिग्री। -6 से -40 डिग्री ठंडी के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर होता है। और ये जो गोबी डिजर्ट है ना, वो कोल्ड टाइप का डिजर्ट है। द गोबी डिजर्ट ओरिजिनली फाउंड इट्स प्लेस इन ग्लोबल स्पॉटलाइट फॉर बीइंग लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ डायनासोर फॉसिल्स इन द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली डायनासोर के एग, एक मतलब डायनासोर के अंडे। अब कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन हैं जो कि हमें याद रखना है, जैसे कि ये यदि गोबी डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट के टू द नॉर्थ ऑफ गोबी लाई द एल्टाई माउंटेन। यहाँ पर आपका हो गया एल्टाई माउंटेन, ठीक है, एंड द मंगोलियन ग्रासलैंड। दो चीज़ यहाँ पर, मंगोलियन ग्रासलैंड और एल्टाई माउंटेन। अब आप चले जाओगे इसके साउथ की तरफ में, साउथ वाला हिस्सा और वेस्ट वाला हिस्सा। इस रीजन में बताया जा रहा है हेक्सी कॉरिडोर है और एंड द तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है। इसका जो साउथ वाला हिस्सा है और जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पर है हेक्सी कॉरिडोर और तिब्बत का पठार है। एंड टू द साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट द नॉर्थ चाइना प्लेन, इधर पर आपको चाइना का मैदान देखने को मिलेगा। यदि आप इसके वेस्ट की तरफ जाओगे तो स्नो केप तियानसान माउंटेन है, कट इट ऑफ फ्रॉम द टकला मकान डेजर्ट, जो कि टकला मकान डेजर्ट है उससे मंगोलिया ये गोबी डेजर्ट को अलग करता है।
नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे अब पीआईबी से। पीआईबी की एक ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो आई है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से रिलेटेड। इसने अपने 17वें नंबर के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने एनसीपीसीआर के लिए नए आदर्श वाक्य की शुरुआत करी है, भविष्यो रक्षति रक्षतः। बाल कल्याण में एक मजबूत राष्ट्र का आधार निहित है, ऐसा कहना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। एनसीपीसीआर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमें देखना होगा। एनसीपीसीआर जिसका फुल फॉर्म होता था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, ये जो बच्चे हैं उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये संगठन। बताया जा रहा है इसके सेटअप के बारे में कि कब इसको सेटअप किया गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सीपीसीआर एक्ट 2005 के माध्यम से। एक एक्ट था पार्लियामेंट दिसंबर 2005 में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी 2007 में और सीपीसीआर एक्ट 2005 के माध्यम से। किसके कंट्रोल में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर, ये एक प्रकार से स्टेट्यूटरी बॉडी है अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो इसका मेन जो स्रोत है वो सीपीसीआर एक्ट 2005 है, और ये किसके प्रशासनिक कंट्रोल में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है। कमीशन का मैंडेट ऐसा है कि देखो ये संगठन इंश्योर करेगा सभी लॉ पॉलिसी प्रोग्राम और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन कॉन्सोनेंस विद चाइल्ड राइट। कोई भी नियम कानून बना है तो वो बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, बच्चों के अधिकारों को लेकर के है या नहीं है ये इंश्योर करने का काम ये एनसीपीसीआर करता है। चाइल्ड राइट्स परस्पेक्टिव एज इंस्ट्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हमारा संविधान कहता है, एंड आल्सो द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, और यही बात यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएन कन्वेंशन में भी ये बात कही गई है और हमारा संविधान ही भी ये बात कहता है कि हमें बच्चों का संरक्षण करना है, उनका यौन शोषण नहीं होना चाहिए, उनकी खरीदी बिक्री नहीं होना चाहिए, उनके जो बेसिक अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए। अब चाइल्ड आखिर किसको कहा जाएगा, एज ए पर्सन इन द 0 से लेकर के 18 ईयर्स एज ग्रुप उसको चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। द कमीशन विजुअलाइज ए राइट बेस्ड परस्पेक्टिव फ्लोइंग इन टू नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एलॉन्ग विथ नॉन्स्ड सूक्ष्म रिस्पॉन्स एट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। तो यदि ये खाली अपने से ही काम कर रहा है, अब चूंकि ये केंद्र सरकार की एक संस्था है स्टेटरी बॉडी है, ये यदि अपने खुद से ही काम करेगा तो इसका हम कहेंगे कि केंद्रीकरण हो गया, लेकिन यदि ये स्टेट में लेकर काम, स्टेट की बात भी मान रहा है, स्टेट को लेकर के चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बातचीत कर रहा है, ब्लॉक लेवल पर काम कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये विकेंद्रीकरण वाले सिस्टम में काम कर रहा है, इसका विकेंद्रीकरण हो गया। इन ऑर्डर टू टच एवरी चाइल्ड, हर बच्चे तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, इट सीक्स ए डीपर पेनिट्रेशन टू कम्युनिटीज एंड हाउस होल्ड एंड expect that the ground experience gathered at the field are taken into consideration। मतलब कि यदि हर बच्चे तक पहुंचना है तो आपको कम्युनिटी के साथ में डीपर पेनिट्रेशन होना चाहिए, इसके अलावा जो हाउस होल्ड हैं उनके साथ में डीपर पेनिट्रेशन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, बातचीत आपको करना पड़ेगा, और यहाँ से आप ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाओगे। एक दो बातें और हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, अब शिक्षा का अधिकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार होता है बच्चों के लिए, ताकि उनका भविष्य कुछ बन जाए। तो
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित यदि कोई शिकायत इस आयोग के पास आ रही है तो वो जांच करने का काम भी करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के काम भी ये आयोग करता है कि ये सही से काम हो रहा है इस एक्ट के अंतर्गत कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर तो PIB की न्यूज़ हमारी ख़त्म होती है और हम शुरुआत करते हैं अब द हिंदू की प्रमुख प्रमुख खबरें। काफ़ी चर्चा में ये इमेज रही थी, सैटेलाइट इमेज, जो कि शो करती है रसिया आज कितना मजबूत है। आप सोच सकते हैं कि 64 किलोमीटर लंबा ये बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला है। ये छोटी छोटी पिक्चर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले यही हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ, हथियारों से और सैनिकों से आप कह सकते हैं कि ये भरी हुई है। लॉन्ग हाउल दिस सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडेड बाई मैक्सार टेक्नोलॉजी, जो कि ये शो करती है रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय ऑफ आर्मर्ड व्हीकल को, जिसमें शामिल है टैंक एंड अदर इक्विपमेंट नियर इन वन कीव इन यूक्रेन ऑन मंडे। 64 किलोमीटर लंबाई, आप सोच सकते हैं कितनी दूरी तक कितने सारे हथियार, कितने सारे व्हीकल रसिया के पास हैं। हम सोचते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड ही आई है। छठवा दिन, कल का जो दिन था वो छठवा दिन था। इसके अलावा 6.7 लाख रिफ्यूजीज, द वर्ल्ड इज थ्रोन इन द क्राइसिस, अराउंड 1 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू बी इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन यूक्रेन, ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस का। लगभग 1 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं इंटरनली। डे 6 ऑफ रशियन इन्वासन, रसिया किस प्रकार से घुसते ही जा रहा है, अतिक्रमण करते जा रहा है, उसको यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से बताया जाता है। यदि आप नीचे से शुरुआत करते हो तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर रसिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था क्रीमिया, जिसको कहा जाता है, ये भी पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। अब इसके बाद आप बढ़ोगे ब्रेडियांस्क, ये रसिया के कंट्रोल में आ गया है। इसके अलावा मैरीपूल है, डोनेट्स्क हेल्ड बाई प्रो रशियन सेपरेटिस्ट, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया भी जो रशियन प्रो लैंग्वेज बोलने वाले और चाहते हैं कि हम अलग होंगे, अलग देश की डिमांड करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं डोनेस्ट में। इसके बाद आद है लुहांस्क, यहाँ पर भी रशिया का कब्जा हो गया है। आगे फिर और ऊपर बढ़ते बढ़ते खारकीव, यहाँ पर जब वो कब्जा किया तो कई सारे सिविलियंस की डेथ हुई है मल्टीपल रॉकेट अटैक में, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा ओक्तिरका, 70 यूक्रेनियन सोल्जर की डेथ हुई है यहाँ पर, ये वाले ओक्तिरका में। अब जो बात हम करे थे चार्निहिव, यहाँ पर भी कब्जा हो गया। रशियन कॉन्वे 65 किलोमीटर लॉन्ग एडवांसिंग ऑन कीव, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है और ये हो गई कीव उसकी राजधानी, तो इसी की तरफ वो काफिला जो है बढ़ते जा रहा है। यूक्रेन की बॉर्डर की यदि हम बात कर लें तो नॉर्थ की तरफ में बेलारूस हो जाता है नॉर्थ, अब यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पोलैंड पड़ेगा, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक है, तो कई लोग जो है रोमानिया के रास्ते यहाँ से निकले हैं बाई लैंड। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो GST को लेकर के ही आई है। कल भी हम GST के बारे में कुछ चीज़ें देखे थे और आज भी GST से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पेज में GST ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो सबसे पहले GST को समझने की हम कोशिश करेंगे। GST एक प्रकार का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम माना जाता है। ठीक है, अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन हम किसको कहेंगे ये आगे समझने की कोशिश करेंगे। इट हैज़ बीन established बाय द 101वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको संविधान में हमने शामिल किए। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द
होल कंट्री ऑन द लाइन्स ऑफ वन नेशन वन टैक्स टू मेक इंडिया ए यूनिफाइड मार्केट। पूरा इंडिया एक सिंगल मार्केट कैसे बनेगा जब पूरे देश में एक ही टैक्स की व्यवस्था हो। इट इज़ ए सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की कहीं यदि सप्लाई हो रही तो वहाँ पर ये टैक्स लगेगा, एंड सर्विस दोनों इसमें शामिल हो जाती हैं। इन इट्स इंटायर प्रोडक्ट साइकिल और लाइफ साइकिल फ्रॉम मैन्युफैक्चर से लेकर के कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चर से ये टैक्स शामिल होता है और कंज्यूमर तक चले जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड ओनली इन द वैल्यू एडिशन एट एनी स्टेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जहाँ कहीं पर भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, जैसे कि धागा, धागा से यदि आप कपड़ा बना रहे हो, वैल्यू एडिशन कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये टैक्स लगना है। द फाइनल कंज्यूमर विल पे ओनली हिज पार्ट ऑफ टैक्स एंड नॉट द एंटायर सप्लाई चेन विच वॉज द केस अर्लियर। कहा जा रहा है कि कंज्यूमर टैक्स कैसा पे करेगा, ओनली हिज पार्ट ऑफ टैक्स, जितना मेरे हिस्से में आ रहा है मैं केवल उतना ही पे करूँगा, ऐसी व्यवस्था इसमें करी गई है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो सारी जो चीज़ें हैं वो वसूल ली जाती हैं ग्राहक के द्वारा। देयर इज़ ए प्रोविजन ऑफ GST काउंसिल टू डिसाइड अपॉन एनी मैटर रिलेटेड टू GST हुज चेयरमैन इन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। GST काउंसिल की व्यवस्था करी गई है ताकि वो डिसाइड कर सके एनी मैटर रिलेटेड टू GST। इसके चेयरमैन रहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। अब GST को भी ना दो लेवल में बांट दिया गया है, एक होता है स्टेट लेवल पर और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल की यदि हम बात करें तो स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, या फिर जिसको आप सेल्स टैक्स कहते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता है अदर देन द टैक्स लेवीड बाय द लोकल बॉडी। इसके अलावा ऑक्टोराइड एंड एंट्री टैक्स हो जाता है, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जिसको, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। GST काउंसिल की यदि हम बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये इंडिया का पहला फेडरल इंस्टीट्यूशन है। इट विल अप्रूव ऑल डिसीजन रिलेटेड टू टैक्सेशन इन द कंट्री। टैक्स जो लग रहा है उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उसको अप्रूवल देगा ये संस्था, कौन, GST काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ सेंटर 29 स्टेट, दिल्ली एंड पुदुचेरी। यहाँ पर कौन कौन शामिल हो जाते हैं, केंद्र सरकार, 29 स्टेट भी, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेंगे, दिल्ली भी बैठेगी और पुदुचेरी भी बैठेगी। इसलिए इसको फेडरल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार अकेली डिसीजन नहीं ले रही, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल रहते हैं। सेंटर हैज़ 1/3 वोटिंग राइट एंड स्टेट हैव 2/3 वोटिंग राइट। डिसीजन आर टेकन आफ्टर ए मेजॉरिटी इन द काउंसिल। GST की कमियों को यदि हमें लिखने के लिए आ जाता है तो हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि नॉट ऑल आइटम आर कवर्ड। GST के अंतर्गत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एग्जेम्पशन, छूट प्रोवाइड की गई है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं की गई हैं। टैक्सेशन फॉर सर्टेन आइटम सच एज अल्कोहल, टोबैको आर स्टिल नॉट अंडर द GST डोमेन। स्टेट्स अर्ज दैट इंक्लूडिंग देम वुड हैम्पर देयर रेवेन्यू एंड दे वुड सफर ए ह्यूज रिसोर्स। However, some experts say that the real reason is the nexus of politician with some business classes and high profile lobbying. अब ये जो चीज़ें हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट शामिल नहीं होना दे रहा चाहती हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यदि दारू और तंबाकू इनको GST के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा तो उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। डिसीजन क्राइटेरिया फॉर द टैक्स ब्रैकेट, देयर आर अप्रिहेंसिव दैट हाउ टू डिसाइड अबाउट द आइटम एंड क्राइटेरिया दैट विच आइटम विल फॉल इनटू विच टैक्स ब्रैकेट। कौन से टैक्स ब्रैकेट में कौन सी चीज़ मुझे रखना है, ये
इसको निर्धारित करना काफी कठिन बात हो जाती है। इट मे लीड टू लॉबिंग टू दिस द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल ओनली एंड आफ्टर ड्यू डिलीजेंस एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय द कंसेंसस। मल्टीपल टैक्स रेट एंड ब्रैकेट, अलग अलग 0%, 5%, 12%, 18%, ये जो अलग अलग रेट रखा गया है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पावर टू इम्पोज टैक्स टेकन अवे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो जीएसटी रेवेन्यूज क्रॉस 1.3 लाख करोड़ इन फरवरी। फरवरी महीना में जीएसटी का कलेक्शन कैसा रहा यहाँ पर बताया जाता है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू है फरवरी के महीने में 26% हायर था देन प्री पेंडेमिक लेवल 1,33,026 करोड़, द फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है। द कलेक्शन आर 18% हायर देन दोज ऑफ फरवरी 2021 एंड मार्क द फिफ्थ टाइम जीएसटी रेवेन्यूज हैव क्रॉस्ड 1.3 लाख करोड़ सिंस इट्स लॉन्च इन जुलाई 2017। रेवेन्यूज फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वर 38% हायर ईयर ऑन ईयर। तो इम्पोर्ट हम करते हैं गुड्स का तो 38% उसमें वृद्धि देखने को मिली है। वाइल रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस 12% इसमें वृद्धि देखने को मिली है। जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात करें तो इसका कलेक्शन रहा है 10,000 करोड़ इन ए मंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन फरवरी। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी जो सप्लाई है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं हथियारों की सप्लाई का इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला। डाउट्स ओवर डिफेंस सप्लाई टू इंडिया, तो इसके ऊपर कुछ संदेह जरूर है कि क्या हमें सप्लाई मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। विथ टेंशंस एस्केलेटिंग बिटवीन रसिया एंड वेस्ट ओवर द यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है, रसिया और वेस्ट के जो देश हैं, पश्चिम के जो देश हैं, उनके बीच में तनाव बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, ओवर द यूक्रेन क्राइसिस। इंडिया विच हैज़ मेजर डिफेंस कोऑपरेशन विथ मॉस्को और कीव, दोनों के साथ में ही उसके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन के साथ में भी और मॉस्को के साथ में, फेसेस अनसर्टेनिटी ओवर टाइमली डिलीवरीज इन द नियर फ्यूचर इन एडिशन टू द लिंगरिंग थ्रेट ऑफ US सेंक्शन अंडर काट्सा। एक तो टाइम में डिलीवरी मिलना मुश्किल लग रहा है और दूसरी बात इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगाए जाने का भी डर है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया ना रसिया का सपोर्ट किया है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सेंक्शन एक्ट ओवर द S-400 डील, अभी तक तो नहीं लगा सेंक्शन लेकिन ऐसा थोड़ा अंदेशा लग रहा है। तो यदि हम पास्ट की बात करें, टेंशन बिटवीन रसिया और यूक्रेन हैड कंसिडरेबली डिलेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ AN-32 ट्रांसपोर्ट फ्लीट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए हैं AN-32 ट्रांसपोर्ट फ्लीट का, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत जो आता है। रशिया और इंडिया के रिलेशन यहाँ पर बताए जाते हैं ट्रेडिशनल सप्लायर, किस प्रकार से ट्रेडिशनल सप्लायर है रशिया हमारा, जबकि रशिया एक प्रकार से ट्रेडिशनल मिलिट्री सप्लायर है जो कि शेयर करता है प्लेटफार्म और टेक्नोलॉजी को दैट अदर्स वुड नॉट। इसके अलावा कोऑपरेशन हैज़ फर्दर डीपन्ड इन रिसेंट ईयर, और अधिक कुछ सालों की यदि आप बात करोगे, आंकड़े देख लोगे तो ये जो कोऑपरेशन है और भी ज़्यादा गहरा हो गया। और डिफेंस ट्रेड की बात करें दोनों देशों के बीच में, ये क्रॉस कर गया है $15 बिलियन को, कब से, 2018 से। आज की यदि हम बात करें तो 60% ऑफ इंडियन मिलिट्री इन्वेंट्री, ठीक है, इज ऑफ रशियन ओरिजिन। इंडियन मिलिट्री मटेरियल या फिर माल की यदि हम बात करें, चीज़ों वस्तुओं की यदि हम बात करें, तो 60% से भी जो ज़्यादा है
वो रसिया से ओरिजिनेट हुई हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फाइटर जेट, टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन एमंग अदर, वाइल सेवरल डील्स आर इन द पाइपलाइन, और कई सारी ऐसी डील है जो कि अभी होना बाकी। फॉर इंस्टांस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा, दिसंबर के महीने में इंडिया और रसिया ने साइन किया था 5,000 करोड़ की डील थी, किस क्या है के लिए, 6.1 लाख AK-203 असाल्ट राइफल के लिए, टू बी मैनुफैक्चर्ड जॉइंटली इन उत्तर प्रदेश। प्रोडक्शन वाज टू बिगिन विथ ए फ्यू मंथ एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच फुल स्केल प्रोडक्शन विद इन 2 or 3 years, ऐसा कहना अलेक्जेंडर मिखियू। और भी एडिशनल में बात करी जाती है, रसिया इज मैनुफैक्चरिंग 2 steel frigate फॉर नेवी, 2 steel frigate हमारी नेवी के लिए रसिया बना रहा है, दे आर टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, अगले साल वो हमको मिल जाएंगे। वाइल एनदर 2 are being मैनुफैक्चर्ड बाई द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सबसे पहले रसिया अपने घर में बनाएगा, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा, फिर हम गोवा में भी बनाएंगे। द कील ऑफ द शिप्स हैज़ बीन लेड एंड द नेवी हैज सेड दैट द फर्स्ट वन विल बी डिलीवर्ड इन 2026 एंड द सेकेंड 1-6 month लेटर, 2026 में पहले, 6 महीने के बाद दूसरा हमको जहाज मिल जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन के साथ बात करी जाती है, इंडिया ने साइन किया है एक प्रकार से सेपरेट डील यूक्रेन के साथ में, ताकि वो 8 Zorya Mass Procket गैस टरबाइन इंजन बना सके हमारे फ्रिगेट्स के लिए। एज रिपोर्टेड अर्लियर बाय द हिंदू ऑफिशियल हेड सेड दैट द इंजन्स गियरबॉक्स और स्पेशलिस्ट सपोर्ट विल कॉस्ट अराउंड $50 million एक सिप की कीमत इतना लग जाना एस्टिमेट बताया जाता है, जो चीज़ें उस पर लगा है। इंडिया हैड टेकन डिलीवरी ऑफ इंजन्स फॉर द फर्स्ट 2 frigate एंड हैंडेड देम ओवर टू रसिया फॉर द frigates अंडर कंस्ट्रक्शन देयर। इसके अलावा इंडिया देख रहा है अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन समटाइम इन 2025। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टू रिसीव द 3rd Akula-class न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN 2025 तक हम रसिया से ले लेंगे। विद द करेंट ऑफेंसिव द रशियन डिफेंस इंडस्ट्री मे बी प्री ऑक्यूपाइड टू सप्लाई टू देयर आर्म फोर्स ए मिलिट्री ऑफिसर ऑब्जर्व। अब भाई अभी ज़रूरत तो रसिया को खुद की है, इंडिया को कैसे करके दे पाएगा, हमें ज़रूरत अभी युद्ध चल रहा है तो हमें ही चाहिए ना अभी तो बात ऐसी है। डील्स विथ यूक्रेन, एज फॉर यूक्रेन इट इज अपग्रेडिंग ओवर 100 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द IAF अंडर ए डील फाइनलाइज इन 2009 में एक डील साइन हुई थी यूक्रेन के साथ में कि हम 100 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेंगे। वाइल द अपग्रेड ऑफ 45 AN-32 इन यूक्रेन वॉज कम्प्लीटेड इन 2015 द रिमेनिंग एयरक्राफ्ट टू बी अपग्रेडेड बाई द IAF बेस रिपेयर डिपो कानपुर। जो कुछ बच गया था तो उसको हम खुद ही कानपुर में अपग्रेड करेंगे ऐसा कहा जाता है। यूक्रेन ऑफिशियल हेड स्टेटेड दैट ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर द लोकल अपग्रेड वुड बी फुलफिल्ड बाई 2020। एट द एरो इंडिया इन फरवरी 2021 यूक्रेन ने साइन किया था 4 agreement लगभग $70 million के, विच इंक्लूड सेल ऑफ न्यू वीपन एज वेल एज मेंटेनेंस एंड अपग्रेड ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस इन सर्विस विथ मिलिट्री। नेक्स्ट न्यूज हम देखने वाले हैं जियो टैगिंग ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज पिकअप पेस, वर्क प्रॉपर्टीज को जियो टैगिंग देने की जो रफ्तार है उसने पेस पकड़ लिया है। प्री बिड मीटिंग टू इम्पैनल मोर एजेंसीज टुडे, द लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट टू जियो टैग ऑल वर्क प्रॉपर्टी अक्रॉस द कंट्री दैट बिगन इन 2017 कौन सी स्कीम के अंतर्गत, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, स्कीम का नाम है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, हैज़ येट अगेन रिवाइज इट्स डेडलाइन फ्रॉम मार्च 2022 से नवंबर 2023।
इसकी डेडलाइन रखी गई थी कि मार्च 2022 तक हम ये काम कंप्लीट कर देंगे, इसको बढ़ा दिया गया है नवंबर 2023 तक का। अब ये जो स्कीम है, द स्कीम वाज इन्वेस्टिड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो ये जो स्कीम है किस हिसाब से परिकल्पित की गई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के हिसाब से। द गवर्नमेंट वांटेड टू मैप द इमूवेबल एसेट अंडर द वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो इमूवेबल संपत्ति है उसको क्या करना है, मैप करना है टू इंश्योर इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मोनेटाइजेशन। प्रॉपर उसको हम यूटिलाइज कर सकें, उससे रुपया पैसा जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती। द एक्सरसाइज इज ऑल्सो एम एट इंश्योरिंग दैट दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट लॉस्ट टू इंक्रोचमेंट्स एंड काउंटर ऑनरशिप क्लॉज। यहाँ पर कोई अतिक्रमण ना कर ले, ठीक है, उसको भी हमें बचाना। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं स्वेज कैनाल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो पीला कलर आप देख रहे हैं ये हो गया आपका इजिप्ट वाला हिस्सा, पूरा ये हिस्सा। ये हो गया आपका रेड सी, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, और इजराइल के साइड में है गाज़ा। अब रेड सी से अपन को डायरेक्ट मेडिटेरियन सी में जाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्वेज कैनाल का। अब थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। तो ये है गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ स्वेज की ये खाड़ी है। स्वेज अल इस्लामिल्लाह और पोर्ट सैयद, ये यहाँ से होते हुए गुजरती है आपकी स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल की हिस्ट्री सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीफ में। 1858 में, 58 में यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी, इसको टास्क किया गया था ताकि कंस्ट्रक्ट किया जा सके और ऑपरेट किया जा सके कैनाल को फॉर 99 ईयर्स, ठीक है, 99 साल के लिए ये कंपनी है। आप इसको जो है कंस्ट्रक्ट करिए, ऑपरेट करिए, आफ्टर विच राइट वुड बी हैंडेड टू द इजिप्टियन गवर्नमेंट। इसके बाद जितने भी अधिकार हैं इजिप्ट की गवर्नमेंट को फिर मिल जाएंगे। डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से लेकर के अटेम्प्ट बाई द ब्रिटिश एंड टर्क्स टू हाल्ट कंस्ट्रक्शन, द कैनाल वॉज ओपन फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन इन 1869। कई सारी प्रॉब्लमें आईं, 1869 में इसको ओपन कर दिया गया। द फ्रेंच एंड ब्रिटिश हेल्ड मोस्ट ऑफ द शेयर्स इन द कैनाल कंपनी। अब ये जो कंपनी थी इसमें शेयर सबसे ज़्यादा थे किसके किसके, फ्रांस के और ब्रिटेन के। द ब्रिटिश यूज देयर पोजिशन टू सस्टेन देयर मैरीटाइम एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट बाई मेंटेनिंग ए डिफेंसिव फोर्स एलोंग द स्वेज कैनाल जोन एज पार्ट ऑफ 1936 ट्रीटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ब्रिटिश को ही थी क्योंकि उनको माल इधर एशिया से यूरोप की तरफ भेजना था। 1954 में फेसिंग प्रेशर फ्रॉम इजिप्टियन नेशनलिस्ट द टू कंट्रीज साइंड ए 7 ईयर ट्रीटी दैट लीड टू विदड्रॉल ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। अब ट्रूप्स जो स्थापित किए गए थे ब्रिटिश की तरफ से उनको एक ट्रीटी के माध्यम से वापस लाना पड़ा। स्वेज कैनाल का इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें तो द कैनाल इस इन इजिप्ट कनेक्टिंग पोर्ट सैयद ऑन मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी में पोर्ट सैयद है, टू इंडियन ओशियन वाया द इजिप्टियन सिटी ऑफ स्वेज ऑन द रेड सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम करती है ये कैनाल। देयरफॉर द स्वेज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे। कैसा है ये, आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, रास्ता है। रनिंग नॉर्थ टू साउथ एक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्वेज इन इजिप्ट टू कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। और भी कुछ कुछ बात है जैसे कि 193 किलोमीटर वाटरवे स्वेज कैनाल विच कनेक्ट करती है एशिया और यूरोप को।
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू द कैनाल ईच ईयर, हर साल जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 12% इसी रास्ते से होता है। कई चीज़ शामिल है, क्रूड ऑयल से लेकर के ग्रेन्स टू इंस्टेंट कॉफ़ी। विथआउट स्वेज ए सुपर टैंकर कैरिंग माई मिड ईस्ट क्रूड ऑयल टू यूरोप वुड हैव टू ट्रेवल एन एक्स्ट्रा 6,000 माइल्स। यदि ये नहर नहीं रहती तो यूरोप की तरफ यदि आपको जाना है तो 6,000 माइल्स आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ता। अराउंड अफ्रीकास केप ऑफ गुड होप एडिंग सम $3 लाख इन फ्यूल कॉस्ट बिकॉज इट हैज़ नो लॉक्स, इट कैन इवन हैंडल एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूज़ ऐसी आई है कि कैश स्ट्रैप्ड इजिप्ट, इजिप्ट की कंडीशन ख़राब चल रही है, इसने हाइक कर दिया है स्वेज कैनाल ट्रांजिट फीस को। ठीक है, जो भी जहाज यहाँ से होकर के गुजर रहा था 100 लगता था, हम 150 लेंगे, ऐसा कर दिया। कैश स्ट्रैप्ड इजिप्ट इंक्रीज ट्रांजिट फीस ऑन ट्यूजडे फॉर द शिप पासिंग थ्रू द स्वेज कैनाल, वन ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट क्रूशियल वाटरवे, विच हाइक्स ऑफ अप टू 10%, 10% इसने बढ़ा दिया है। और भी कुछ कुछ न्यूज़ में फैक्ट आ जाते हैं, जैसे कि लगभग लगभग 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इंक्लूडिंग 7% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल फ्लोज थ्रू द स्वेज कैनाल विच कनेक्ट द मेडिटेरियन एंड रेड सी। इजिप्ट की यदि हम बात करें तो कैनाल है विच फर्स्ट ओपन इन 1869 इज ए सोर्स ऑफ बोथ नेशनल प्राइड एंड फॉरेन करेंसी। ऑथोरिटीज सेड 20,649 वेसल्स पास थ्रू द कैनाल लास्ट ईयर, पिछले साल इतने सारे वेसल्स गुजरे थे, 10% इंक्रीज कंपेयर टू 18,830 वेसल इन 2020। 2020 में 18,000, इस बार 20,000। द एनुअल रिवेन्यूज फॉर द कैनाल रीच $6.3 बिलियन 2021, ऐसा द हाइएस्ट इन इट्स हिस्ट्री। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हम कर रहे हैं, रेडी टू हेल्प नेशनल्स ऑफ नेबर कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड न्यूज़ हम देखने वाले हैं, तो हिंदी में जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख जो अंग होते हैं उनमें से एक होता है। इसका मुख्य काम है दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद ही करती है। ये परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजते रहती है, और अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसको लागू करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह इसकी स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई। कोल्ड वार के कारण काफ़ी समय तक सुरक्षा परिषद कमजोर रहा, लेकिन कांगो वार और कोरियाई युद्ध के समय इसने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई देशों में ज़रूरत के हिसाब से शांति मिशन भी भेजे गए। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है। बताया जा रहा है रसिया जैसे ही बिखरा, इसके बाद सुरक्षा परिषद की पावर एकदम से बढ़ गई। इसने दुनिया के कई हिस्सों में शांति अभियानों को अंजाम भी दिया था, कुवैत, नामीबिया, कंबोडिया, बोस्निया, रवांडा, सोमालिया, सूडान, कांगो, कई शांति अभियान इधर पर चलाए गए थे। एक न्यूज़ आई है जिसमें रिलेशन बताए जाते हैं ताइवान और अमेरिका के, तो जिस प्रकार से रसिया ने अतिक्रमण करके यूक्रेन को हथियाने का पूरा पूरा प्रयास पूरा पूरा मन बना लिया है, ठीक इसी प्रकार से कहीं चाइना भी ना कर ले। इसलिए अमेरिका क्या चाहता है ना, अपने डेलीगेशन को, अपनी टीम को यहाँ पर भेजा है ताइवान में। रसियास इन्वेशन ऑफ यूक्रेन हैज़ ड्रॉन फ्रेश अटेंशन टू चाइनाज थ्रेट टू यूज़ फोर्स टू एनेक्स सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेटिक ताइवान विच इट क्लेम्स एज इट्स ऑन टेरिटरी। चाइना इसको अपनी ही खुद की टेरिटरी मानता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है इकोनॉमिक्स वाले पेज से, वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसको हम पी नोट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पी नोट्स का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, टेक्निकल भाषा में ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि यदि मुझे दूसरे देश में पैसा फंसाना है तो पी नोट के जरिए आप इस पैसे को लगा सकते हैं।
अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पता होंगे तो पी नोट भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में समानता है। पी नोट्स की वजह से इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो रही है, और इसका कारण पी नोट्स में निवेश करने वाले निवेशक दूसरे देश के होते हैं और जो KYC नियम है वो उन पर नहीं लगता है। उनको भारत में निवेश करने के लिए सेबी से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे विदेशी निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जरिए इन्वेस्टमेंट करते। तो आइए जानते हैं पी नोट्स के बारे में और भी कुछ कुछ बातें, ठीक है। तो 2007 में क्या होता है, सेबी ने एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, पी नोट की वजह से मार्केट में जो उथल पुथल हो रही है उसके लिए पी नोट्स पर 50% प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी थी। सेबी पी नोट से खुश नहीं है, क्योंकि सेबी के पास इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है कि इसका मालिक कौन है और लेन देन हेज फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के जरिए हो रहा। लेकिन सेबी इस बात को क्लियर नहीं कर पाई और सीधा असर मार्केट पर हो गया था। तो पहली बार क्या होता, 1992 में इंडिया की गवर्नमेंट ने विदेशी निवेशकों को भारत के शेयर मार्केट में निवेश करने की अनुमति दी कि आप आइए हमारे यहाँ के शेयर में इन्वेस्ट करिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग अनिवार्य है। जैसे कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको मार्केट में निवेश करने के लिए KYC का रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक उसी प्रकार। लेकिन कुछ निवेशक रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते, ऐसे में ऐसे निवेशक जो विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस सेबी के पास रजिस्टर होते हैं, जैसे कि FPI, इनके जरिए शेयर खरीदते हैं और उनको पी नोट दे देते हैं। इससे उनको रजिस्ट्रेशन कराए बिना भारत में निवेश उनका हो जाता और जो डिविडेंड मिलेगा वो भी उनको सौंप दिया जाता है। मतलब कि यदि इंडिया में डायरेक्टली मुझे निवेश करना है, मैं फॉरेन में रहता हूँ, तो मैं बिना रजिस्टर्ड हुए कैसे करके शेयर में पैसा फंसा सकता हूँ, वो पी नोट के जरिए हो जाता है। इसकी सच्चाई ये है कि पी नोट से जिस व्यक्ति ने बाजार में पैसा लगाया उसका नाम पता कारोबार कुछ नहीं जान सकते। इससे जो असली मालिक है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर आप भारत के नागरिक होना तो आपको KYC फॉर्म, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो कि गलत बात है। पी नोट किसके हैं इसका पता नहीं लगा सकते, और इसके कारण इसमें काला पैसा, आतंकवादी लोगों के पैसे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इसके कारण पी नोट भारत जैसे देश के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसा सोच लीजिए आप, न्यूज़ में क्या कहा जाता है, बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट वाया पी नोट ड्रॉप टू 87,989 करोड़, ठीक है, 87,989 करोड़ रुपया की गिरावट आई है पार्टिसिपेटरी नोट में। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नेट ड्रॉप बाई द 87,989 करोड़ एट द एंड ऑफ जनवरी। एक्सपर्ट बिलीव दैट द फॉरेन इन्वेस्टर विल कंटिन्यू विथ देयर निगेटिव स्टांस एमिड यूक्रेन क्राइसिस। और यहाँ पर मेन रीजन बताया जाता है यूक्रेन क्राइसिस का। पी नोट्स आर इशूड बाई द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। पी नोट इशू किए जाते हैं FPIs के द्वारा किसको, टू ओवरसीज इन्वेस्टर को हु विश टू बी ए पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विथआउट रजिस्टरिंग देम सेल्वेस डायरेक्टली। वही बात जो हम यहाँ पर पढ़े हैं, समझे थे, वही बात यहाँ पर बताई जाती है। एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डाटा द वैल्यू ऑफ पी नोट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट, यही बात की गिरावट आई है। एक्सप्लेनर वाले पेज से यदि आप देखोगे ना, तो कई सारी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो रसिया से अपने आप को बाहर कर रही हैं। रीजन यही है कि रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। अब यूरोप की तरफ से कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं, उन सैंक्शन में से कुछ ऐसा भी है, जैसे कि हमने स्विफ्ट से की सुविधा रसिया को देना बंद कर दिए हैं। स्विफ्ट के बारे में हमने डिटेल में जानकारी हासिल किए थे। इसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसा है, जैसे कि रसिया काफ़ी बड़ा सोर्स है एनर्जी का, गैस, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये इसका बहुत बड़ा सोर्स है। अब वो सोर्स भी ऐसा है कि कई सारी कंपनियां बाहर की यहाँ पर आती हैं और अपना प्रोडक्शन रसिया को दे रही हैं। तो कुछ यूरोप की कंपनियां हैं, वो कंपनियां यूरोप के दबाव से अब अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल रही हैं।
ताकि रसिया को डायरेक्टली इकोनॉमिक रूप से हम हिट कर सकें। यही यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बात करी जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ बिग ऑयल्स एग्जिट फ्रॉम रसिया ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी इज लाइकली टू बी ओवर द लॉन्ग रन रेदर देन इन इमीडिएट फ्यूचर। तुरंत तो हमें असर नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इसका असर दिखने वाला है। फॉरेन कंपनीज ऑफर करती हैं इम्पोर्टेंट टेक्निकल नो हाउ विच हेल्प इन एनर्जी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन। दे आल्सो ब्रिंग प्रीसियस कैपिटल टू फंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन रसिया। रुपया पैसा भी रसिया को दे रही है। दीज कैन टर्न आउट टू बी क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनर्जी सेक्टर इफिशियंसी इन लॉन्ग रन। बताया जाता है, ये बात तो क्लियर नहीं है कि आखिर कैसे एग्जैक्टली बीपी और जो सेल विल जो है एग्जिट होंगी देयर इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट। द एग्जिट कुड इन्वॉल्व इनकरिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस ऑफ रशियन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सीज देयर एसेट। अब रसिया भी थोड़ी ना कुछ करेगा, फिर उनके एसेट को सीज कर लेगा। वेस्टर्न कम्योडिटी ट्रेडिंग हाउसेस सच एज टैफिग्रा एंड ग्लेनकोर आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेल ऑफ रशियन एनर्जी इन द इंटरनेशनल मार्केट। देयर एग्जिट फ्रॉम द डीलिंग इन रशियन एनर्जी एसेट इफ इट हैपन्स कैन इफेक्ट लिक्विडिटी एंड लीड टू ग्रेटर वॉलेटिलिटी इन और एनर्जी प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है। अब देखिए, रसिया की जो इकोनॉमी है ना, बहुत डिपेंड करती है एनर्जी सेक्टर पर। अब जो एनर्जी सेक्टर पर से कमाई होती है, रसिया उसको अपने युद्ध के साजो सामान में लगाता है, तो वैसा अब रसिया नहीं कर पाएगा। फिर भी जो पश्चिम है या यूरोप हैज़ बीन मेजर्ड इन इट्स एनर्जी सेंक्शन टिल डेट गिवन यूरोप्स हैवी रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी सप्लाइज। रसिया सप्लाई करता है लगभग 40% ऑफ यूरोप्स गैस नीड। यूरोप की गैस की नीड का 40% अकेला रसिया उनको देता है। एट ए टाइम वेन एनर्जी प्राइसेस आर ऑलरेडी राइजिंग इन यूरोप ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन ओविंग टू द पेंडेमिक एंड गवर्नमेंट मेजर टू कट डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। डिसरप्शन इन रशियन सप्लाई कैन कॉज फर्दर पेन। इससे न केवल रशिया को नुकसान होने वाला है, बल्कि यूरोप को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी से प्राइसेस हाई हो गए हैं पेंडेमिक के चलते चलते। अब सीधी सी बात है, यदि यूरोप को माल अपना वो नहीं बेच पाएगा, तो बाकी एशिया की तरफ वो मुड़ेगा और अन्य देशों की तरफ वो मुड़ेगा। दिस विल अफेक्ट नॉट ओनली यूरोपियन कंज्यूमर बट आल्सो द इंटायर वर्ल्ड एज एवरी वन विल हैव टू पे ए हायर प्राइस व्हेन सप्लाई ड्रॉप्स इन व्हाट इज कॉमन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। शॉर्टकट में यदि कहें, ठीक है, गिवन द म्यूचुअल इंडिपेंडेंस बिटवीन रसिया और यूरोप, द वेस्ट विल हैव टू फाइंड वेज टू डिक्रीज रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी बिफोर इट कैन सीरियसली हर्ट पुतिन। आपको रसिया को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद अपने नुकसान को भी देखना है कि हम उसी के ऊपर निर्भर हैं, उससे नहीं लेंगे तो दूसरी दूसरी जगह से हमको लेना पड़ेगा।